The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. बहुत जरूरी है नेल के बारे में बातचीत करना. नाखून में कई सारी एबनॉर्मलिटीज होती हैं, जैसे लाइन आ जाए, कोई इशू आ जाए, कोई वाइट स्पॉट्स आ जाए, कुछ आ जाए, क्यों आ जाए. सो काफ़ी सारी बीमारियों के वजह से ये सारी छोटी छोटी चेंजेस आते हैं. सो क्या क्या एबनॉर्मलिटीज आ सकती है नेल में और आपके हेल्थ के बारे में वो क्या बता सकती है, आज इसके बारे में हम लेट्स टॉक अबाउट इट. ऑलराइट, सो नेल स्किन में प्रॉब्लम आती है तो हमें पता चलता है ये बीमारी है, डिहाइड्रेशन एक्सेट्रा. नेल में भी प्रॉब्लम आ सकती है. सबसे कॉमन चीज जो नेल में है उसे कहते हैं ब्रू लाइंस. ब्रू लाइंस मतलब दीज आर डिप्रेशन अक्रॉस द फिंगर लेन्स, मतलब छोटे छोटे ऐसी लाइन बन गई है लेन के लाइन से, राइट. ये कई बार इंजरी के बाद हो सकती है, कई बार एक्जिमा नेल के आसपास एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो हो सकता है, आपको कोई सीरियस दवा चल रही हो कैंसर कीमोथेरेपी की तो हो सकता है, और न्यूट्रिशनली आप वीक हैं, कमी है आपके, कोई स्पेसिफिक चीज़ की कमी नहीं बताती है ये चीज़ कि हाँ ये सिर्फ कैल्शियम की कमी है, नहीं किसी विटामिन की कमी, बट या डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, डेफिशिएंसी ऑफ ओवरऑल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, काफ़ी सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी से नेल में प्रॉब्लम आएगी. बेसिक चीज़ समझिए, आपकी बॉडी को प्रोटीन्स चाहिए, आपकी बॉडी को वाइटामिन्स, न्यू मिनरल्स, ये सब चाहिए पूरी बॉडी के हर एक चीज़ के, हर एक ऑर्गन बनाने के लिए, हर एक छोटे से बड़ा काम करने के लिए, हेयर बनाने के लिए, मसल बनाने के लिए, सब चीज़ों के लिए. सो व्हेनेवर यू हैव लो प्रोटीन, जब आपके अंदर प्रोटीन की कमी है, जब आपके अंदर बाकी वाइटामिन्स की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो शरीर इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाने में प्रोटीन इस्तेमाल करेगा, ना कि बाल, हेयर, नेल, है ना, या स्किन. सो इसीलिए जिनके अंदर न्यूट्रिशनल कमी होती है उनकी स्किन खराब होने लगती है, ड्राई हो जाती है, रिंकल हो जाती है, प्रॉब्लम, काली दिले, दाग आ जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, नेल खराब होने लग जाते हैं. डजंट मैटर सिर्फ प्रोटीन की कमी है, डजंट मैटर खाना नहीं खा रहे, डजंट मैटर डिहाइड्रेशन है, डजंट मैटर विटामिन डी, B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम या फिर किसी ट्रेस मिनरल की डेफिशिएंसी हो, बिकॉज ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं आपके अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए, कहीं ना कहीं रिएक्शन के लिए, किसी ना किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए, और उनकी कमी की वजह से कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज इफेक्ट करने लगती है आपके नेल को. सो अगेन, जब भी आपके डेफिशिएंसी है, असेस योर डाइट, आप बैलेंस डाइट खाना शुरू करें. तो नंबर वन इशू, ब्रू लाइंस, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ब्रू लाइंस, सीधी सीधी लाइनें आपको डिप्रेशन दिख जाएंगे नेल पे. द सेकंड प्रॉब्लम इज जो उम्र के साथ आती है, ब्रिटल नेल्स. ब्रिटल मतलब टड़क से टूट जाएंगे, ऐसा मोड़ा कि टूट जाएंगे, दैट इज ब्रिटल नेल्स बिकॉज ऑफ एजिंग, नंबर वन थिंग. लेकिन सिर्फ एजिंग से नहीं होती, ये कुछ बीमारियों के वजह से हो सकती है, ब्रिटल नेल्स और कंडीशंस के वजह से हो सकती है, राइट. उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, क्या 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 बीमारियां होती हैं, क्या क्या इन्फेक्शन होते हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं, राइट. अभी थोड़ी देर में, पर कंडीशन समझते हैं. ब्रिटल नेल होते हैं, काइलोनाइकिया होता है, काइलोनाइकिया मतलब एबनॉर्मल शेप ऑफ द फिंगर नेल, मतलब नेल के अंदर रेज्ड एजेस होंगे, रिजेस होंगे, उठी हुई रिजेस होंगे और थिन कर्व्ड इनवर्ड हो सकता है, ऐसा स्पून बन सकता है नेल पे, सब समझ रहे हो. काइलोनाइकिया, दिस इज एसोसिएटेड विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यस. इसमें बोल सकते हैं आप कि ये बंदे को आयरन की डेफिशिएंसी है, अगर नाखून में चम्मच बन रहा है तो, जी हाँ, चम्मच, ओके ओके. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ल्यूकोनाइकिया, नाइकिया मतलब नेल्स, नाइका, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, नाइकिया नेल्स, राइट, पता है मुझे, नाइका से बहुत कुछ खरीदते हो आप लोग, राइट. सो काइलो ल्यूकोनाइकिया इज अ वाइट स्ट्रीक, वाइट स्पॉट, सफेद रंग के दाग धब्बे आपके नेल में आ सकते हैं, जो कि जी नहीं, कैल्शियम डेफिशिएंसी अकेला कारण नहीं है उसका, काफ़ी सारी बीमारियों की वजह से हो सकती है और ड्रग्स, दवाइयों के वजह से भी हो सकती है एज अ साइड इफेक्ट. सो वो भी हम बातचीत करेंगे. और काइलोनाइकिया एक पॉइंट है. फिर पिटिंग हो सकती है नेल में. पिटिंग मतलब छोटे डिप्रेशन हो सकते हैं नेल के सरफेस पे, कई बार नेल में क्रम्पलिंग भी हो सकती है, नेल लूज हो सकता है, कई बार लेज होके, लूज होके गिर भी सकता है. और पिटिंग ज़्यादातर सोरियासिस के साथ या एलोपेशिया एरिएटा के साथ एसोसिएटेड है पिटिंग ऑफ द नेल्स. फिर देर आर रिजेस आ सकते हैं, टाइनी रेज लिसेस अक्रॉस, ऐसा एक होता है जो उसके लाइन से जा रहे, एक ऐसा अक्रॉस
या जो डाउन द नेल बोल सकते हैं वैसे, तो वो भी पॉसिबिलिटी होती है। तो कारण क्या है इन सब चीजों का? देखिए, डिफॉर्मिटीज का कारण, लेट्स टॉक अबाउट इट। नंबर वन थिंग इज इंजरी। इंजरी, चोट लग गई, डिफॉर्मिटी होगी, उसमें क्रशिंग हो सकता है, नेल दब गया किसी चीज की वजह से, या फिर बार बार आप रब कर रहे हो नेल को स्किन के थ्रू, या आप क्रोनिक पिकिंग कर रहे हो, राइट, नेल, वो भी आपके नेल डिफॉर्मिटीज कर सकता है। और लेंथ वाइज नेल में स्प्लिटिंग आ सकती है, रिजेज आ सकती है, अपीयरेंस में थंबनेल में इशू आ सकते हैं, ये चीजें में चोट लगे तो बार बार इस तरह। और नेल पॉलिश बहुत ज्यादा बार लगा लिया, और ज्यादा बार लगा लिया तो भी नेल्स पील हो सकते हैं, छिल सकते हैं और ब्रिटल हो सकते हैं। नेल पॉलिश बहुत लंबे समय तक नहीं लगाना है, रिमेंबर दैट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद है इन्फेक्शंस। नाउ व्हाट आर इन्फेक्शंस, राइट? इन्फेक्शन क्या होते हैं? नेल के अंदर फंगल इन्फेक्शन इज द नंबर वन रीजन ऑफ इन्फेक्शन, राइट? नेल के अंदर सबसे बड़ा इन्फेक्शन होता है फंगल इन्फेक्शन या यीस्ट इन्फेक्शन, जो कि नेल का कलर, टेक्सचर, शेप बदल सकता है। इसको हमने एक अलग से वीडियो में पूरा तरह से कवर किया हुआ है, जिसको कहते हैं ऑनिकोमाइकोसिस। ऑनिकोमाइकोसिस, राइट? वो करें आप, राइट? ऑनिकोमाइकोसिस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है आपके नेल में, जो कि नेल के चेंज कर सकता है उसके अंदर कलर में भी, पेन पेन कर सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और जिसको हम पेरोनाइकिया भी कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जिसमें नेल के जो फोल्ड है, नेल फोल्ड्स है या नीचे क्यूटिकल है, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड एज पेरोनाइकिया, राइट? और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, नेल में वॉट्स हो सकते हैं, राइट? चेंज कर सकता है जो उसका शेप, उसके नीचे इनग्रोन स्किन आ सकता है अंडर द नेल, दैट इज वॉट्स। और कुछ और कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके हार्ट के अंदर वैल्व प्रॉब्लम है, या तो उससे आपके स्प्लिंटर हीमोरेजिस, मतलब नेल के नीचे छोटे छोटे रेड स्ट्रीक्स, लाल लाइनें आ जाएगी, स्प्लिंटर हीमोरेजिस बोलते हैं इसको, ये आती है वैल्व्यूलर, हार्ट के अंदर रोमैटिक वैल्व्यूलर प्रॉब्लम्स के वजह से, या वैल्व में वेजिटेशन आ जाए उनके वजह से। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है नेल के अंदर, बहुत सारी डिजीजेस के लिए, और कोई बीमारियां जिसके वजह से हो सकती है। एक चीज है जिसको हम बोलते हैं क्लबिंग। क्लबिंग मतलब आपने क्लब देखा है, यानी कि जो गोल्फ खेलने के लिए क्लब यूज होता है, बड़ी सी डंडी के नीचे एक बड़ा सा गोला होता है, वैसे ही नेल में ऐसा होता है, ऐसे नेल आ रहा है, नेल आ रहा है, उसके बाद में ऐसा बड़ा सा गोला बन गया, नेल में ऐसा गोला बन गया, मतलब नेल जो सिर्फ फ्लैट होना चाहिए वो ऐसा गोल सा हो गया, सो दैट इज क्लबिंग। नाउ ये क्लबिंग होता है बिकॉज ऑफ लेस ब्लड सप्लाई टू दैट एरिया। अगर इस छोटी छोटी एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा मतलब या तो आप स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, या तो कोई लंग की बीमारी है, या तो कोई हार्ट की बीमारी है, या तो किसी प्रकार का कोई कैंसर है, कोई इन्फेक्शन है, उसके वजह से आपको हो रही है क्लबिंग। फिर ये क्लबिंग हो सकती है, फिर उसके वजह से खून नहीं जा रहा प्रॉपरली। देन किडनी डिजीज। किडनी डिजीज के वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जमा होने लगते हैं ब्लड में, उसके वजह से भी नेल डैमेज हो सकता है। लिवर की बीमारी नेल डैमेज कर सकती है। थायराइड की बीमारी, हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइड आपके नेल्स ब्रिटल कर सकते हैं, जिसमें आप जिसमें ब्रिटलनेस में स्प्लिटिंग आ सकती है नेल की, और ऑनिक जिसको नेल प्लेट पे स्प्लिटिंग आ सकती है, जिसको बोलते हैं ऑनिकियोलाइसिस, लाइसिस, ऑनिकोलाइसिस, ऑनिकोलाइसिस मतलब वो स्प्लिट हो गया नेल, ऐसे भी हो सकता है। और मान लीजिए कभी कभी अगर इंजरी से भी ऐसी स्प्लिटिंग आ सकती है, डिप्रेशन, सोरियासिस के वजह से नेल में स्प्लिटिंग आ सकती है, नेल में क्रोनिक डिस्ट्रक्शन हो सकता है, नेल डिस्ट्रॉफी हो सकता है, उल्टे सीधे शेप हो सकते हैं नेल के सोरियोसिस के वजह से। और बाकी काफी सारी कंडीशन है, मैल न्यूट्रिशन, वाइटामिन डेफिशिएंसी, लाइकल प्लैनेस, अमाइलोडोसिस, नेल के अंदर सिस्टमिक डिजीजेस के वजह से इफेक्ट होता है, और स्किन के वजह से भी नेल पे इफेक्ट होता है। स्किन कैंसर भी नेल के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। सब अंगुल मेलानोमा एक और डेंजरस डेडली बीमारी है, जिसके नीचे नेल के नीचे कैंसर बनना शुरू हो जाता है, और डार्क स्ट्रीक आती है नेल के नीचे जो बड़ी लंबी चलती रहती है, सो दैट इज वन थिंग, सब अंगुल मेलानोमा। हचिसन साइन भी एक चीज है, जो कि क्यूटिकल यानी कि नीचे का पार्ट नेल का डार्क होने लगता है विद अ पिगमेंट स्ट्रीक, वो भी एक एग्रेसिव मेलानोमा को साइन होगा, यहाँ पे कालापन आ रहा है। सो नेल के नीचे ऐसा कोई अबनॉर्मलिटी आ रही है तो कृपया जाके अपने डॉक्टर से बात करें।
फिर बात आई कोई और सीरियस चीजों की। जी हाँ, आपके बॉडी के अंदर अगर पॉइजन्स आ रहे हैं, आर्सेनिक आ रहा है, सिल्वर आ रहा है, तो वो सिल्वर ब्लू नेल करेगा, नीला 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 नेल, और आर्सेनिक विल कॉज व्हाइट लाइंस अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल लेचेस। आर्सेनिक, आर्सेनिक पॉइजनिंग। कई दवाओं से जो हमने बात करी थी, एंटीबायोटिक्स के वजह से नेल बेड ऊपर आ सकता है, कोई कई सारी एंटीबायोटिक्स की वजह से नेल ऊपर उठ सकता है, दैट इज वन पॉइंट। कीमोथेरेपी की वजह से मेडिसिन से नेल जो है उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, नेल खराब हो सकता है, क्योंकि तो कीमोथेरेपी से नॉर्मल टिश्यूज काफी डैमेज होते हैं, बॉडी उसको हील करने में जाती है, ना कि नेल बनाओ और ये बनाओ, अननेसेसरी काम बंद हो जाते हैं। फिर नॉर्मल एजिंग से भी ग्रोथ और डेवलपमेंट नेल का खराब हो सकता है, बंद हो सकता है, रिमेंबर करिए। इसके अलावा पिछली बार हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि नेल की केयर कैसे करनी है, छोटे छोटे रखने हैं, काटते रहना है, बिटिंग वाइटिंग नहीं करनी है, उसको तो यूज़ नहीं करना है, सही शूज़ पहने हैं, स्क्वीज नहीं रखना है, और कुछ वाइटामिन्स अच्छे होते हैं नेल के लिए, जैसे बायोटिन, राइट, बायोटिन वाइटामिन अच्छा होता है, 5,000 माइक्रोग्राम पर डे ले सकते हैं, और नेल पॉलिश जब ज़रूरत है तब यूज़ करिए, ऐसा नहीं कि 24 घंटा लगातार सिर्फ नेल पॉलिश यूज़ कर रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेल नीड्स केयर, राइट। उसके अलावा बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन है तो आप अपने डॉक्टर से जाके दिखाइए। याद रखिए, अगर नेल ब्लू नेल है, क्लब्ड नेल है, डिस्टॉर्टेड नेल है, हॉरिजॉन्टल रिसेस है, पेल लाइन है, व्हाइट लाइन है, व्हाइट कलर है, नेल के अंदर पिट है, पीलिंग है, पेनफुल है, इनग्रोन है, स्प्लिंटर हिमोरेजेस है, काला काला दाग है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखाइए। डर्मेटोलॉजिस्ट आपके नेल देख के बता देंगे आपको क्या है, और जरूरत पड़ने पे फिर आपके ब्लड टेस्ट, एक्सरे या एग्जामिनेशन करने की जरूरत पड़ेगी, तो पड़ेगी अगर उसमें कोई गलत चीज दिखती है, चाहे वो स्पून नेल हो। तो याद रखिए, स्पून नेल, ऑनिकोलाइसिस, ल्यूकोनाइकिया, काइलोनाइकिया, ब्रिटल नेल्स, ब्रू लाइन्स, एबनॉर्मल फिंगर नेल, सारे कवर कर दिए हमने इस वीडियो में। तो आई होप आपको समझ आया हो आपको क्या करना है। ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है कि व्हाइट लाइन है तो व्हाइट लाइन सिर्फ कैल्शियम डेफिशिएंसी, नहीं, सिल्वर से भी होता है, विटावाई के हार्ट इफेक्ट से भी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स नॉट जस्ट कैल्शियम, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू मेक हियर। थैंक यू सो मच। कोई सवाल है तो जरूर लिखिए, वी आर ऑलवेज टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।